हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी, अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरो जोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023। भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही हैं। आप हैरान हो जाओगे मैं जो बात कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो खिदमत कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, जैसे हम तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने फीजा खान की क्लिप देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो भाई जुल्म तो कल चीन ने भी किया है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया की एक भी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहां सेंड जरूर करते। एक भी वीडियो नहीं बनी है, सिर्फ पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है उन्होंने बनाई है। तो पाकिस्तानी आवाम इसके ऊपर क्या कहती है, आप लोग क्या रिकमेंडेशन है भाई? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और जय हिंद जरूर लिख दीजिए। वीडियो भाई इधर लाहौर में चाइना के फ्लैग लगे हुए हैं, जो झंडा है चाइना का, इधर ब्रिज के नीचे देख लें, इवन आप हाल रोड पे देख लें, माल रोड पे देख लें, बड़े बड़े चाइना के झंडे लगे हैं। यानी वो भी नेबर, वो भी नॉन मुस्लिम, वो आपका जो यहाँ पे झंडे लगे, यहाँ पे आप तस्वर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का एक छोटा सा भी फ्लैग कहीं पे लगा। नहीं सर, इंडिया का फ्लैग तो बड़ी दूर, इंडिया का नाम लेने वालों के साथ जो होता है तो इंडिया का फ्लैग लगा देने वाले के साथ क्या होगा? अभी हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे, अब मैंने दिल से सोचा हुआ था, अब पता नहीं मेरे को फतवा ना लग जाए, मैंने दिल से सोचा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा लाहौर कजाफी स्टेडियम में। मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि उसमें कोहली जो है ना, विराट कोहली, वो सेंचुरी करें, इतने छक्के मारें कि वो स्टेडियम से बाहर छक्के जाएं, लेकिन मैच पाकिस्तान जीते, ये बात मैंने कही। अच्छा उसमें एम मैंने क्या बनाया था, एक तरफ इंडिया का झंडा लगाना था, एक तरफ पाकिस्तान का लगाना। आपने अपने फेस, मैंने अपना एम बनाया हुआ था स्टेडियम में, आपके फेस पे एक साइड पे इंडिया का फ्लैग लगेगा, एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही एम था, यही सोच थी। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये बंदा आबिद अली इंडियन है या पाकिस्तान। अच्छा मैं वैसे सही बात बताऊं, मैं आधा इंडियन हूं आधा पाकिस्तानी। के हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार, और मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई, चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की जाती कर दी जाती है चाइना में, वो चाइनीज जो आपके यार हैं जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं या वो टेररिस्ट हैं या वो जालिम हैं या वो जुल्म कर रहे हैं, तो अब चाइनीज जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, जुम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? और मुसलमान भाई आप मेरी सुनो ना यार, आज बहुत बातें हैं मेरे पास, मुझे गुस्सा है, आज गुस्सा है, बातें हैं आप करिएगा बातें, लेकिन मुझे सवाल करने थे, मेरे पास भी बहुत से सवाल आते हैं, आप उनके जवाब दें, और ये जो मेरे सवाल है शायद ये ऑडियंस के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप उनका आंसर करिएगा, मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा, जो आप बोलेंगे जैसे बोलेंगे वही चलाया जाएगा। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के हवाले से पूछा गया कि जी तालिबान की गवर्नमेंट अगर वहां पे होती है तो आप कैसे रिलेशन रखेंगे, उन्होंने कहा जी ये तो उनका इंटरनल मैटर है। वो जो इंडिया में सारा कुछ होता है, जो आप एक एक मिनट बाद सारी दुनिया में और खबरें चल रही होती हैं, पूरा पाकिस्तान मीडिया उठा रहा है, उनका इंटरनल मामला नहीं है, उनकी आपस की बात नहीं है, उनकी अंदर की बात नहीं है, दूसरे मुल्कों में होगा तो उनके आपस की बात है उनके अपने। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया, और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहां हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहां हो, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार उधर हो गया इसलिए, यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद, हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तोबा नौज़ बिल्लाह, मैं वैसे एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो, आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखे मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको खरीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे? असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात,
करता हूँ मैं चाइना की बात, अब मुझे बताओ कौन इस चीज का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज का हमें जो है ना भी आपको एजेंटी कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने में चाइना के मुसलमानों की बात कर रहा है। मजे की बात, और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो पाबंदी है, इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज कम उनकी आवाज उठा रहे हैं चाइना वालों। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ खास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ, सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं तो मैं कैसे कहूँ कि वो तरक्की नहीं करते। वो लोग अब हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ये हो गया, वो हिजाब के ऊपर जो मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी, वो लड़की खड़ी हुई हिजाब के ऊपर, उसने इंडिया में टॉप किया है, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है भाई, पक्की बात है, आप सर्च कर सकते हैं, उसी लड़की का आइडिया नहीं, पक्की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो बड़े जालिम हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो लोग, तो वो लड़की कैसे टॉप कर जाती, वो लड़की तो अगवा हो जाती, उसको तो घर से उठा लिया जाता, उसके घर जल जाते, यानी कि इंसानियत के हकूक उधर मौजूद हैं भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है आबिद भाई, अगर वहाँ पे हिजाब पे जो पाबंदी हो, हालांकि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी इशू था वो उनका एक अपना एक इंस्टीट्यूट का मैटर था, लेकिन वो खबर यहाँ पे बड़ी हाईलाइट की गई, वहीं पर जो आप खबर बता रहे हैं, अगर ये वाकई हकीकत है कि उसने टॉप की है तो ये खबर पाकिस्तान मीडिया में क्यों नहीं चलाई गई? ये इसलिए नहीं ना चलाई गई कि उनकी वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि जिस लड़की ने इतना बड़ा हंगामा किया, इतना बड़ा तमाशा हुआ उस लड़की को लेके, और वही लड़की टॉप कर गई है, सबके सामने हकीकत आ जानी थी कि कोई जुल्म नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो लड़की देखो अब टॉप भी कर गई है। अभी इंडिया में रिसेंटली जो बातें चल रही हैं मुसलमानों को लेके और हिंदुओं को लेके, देखिए मैं अपनी हर वीडियो में प्रूफ के साथ आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई अभी देखिए मुसलमान हम मुझे हजारों मैसेज आते हैं, आपको पता ही है, आप भी पढ़ते हो वो मैसेज, पूरी दुनिया से यूरोप से मैसेज आते हैं, इंडिया से मैसेज, मुझे आज तक किसी कमेंट में किसी ने यूरोपियन ने देखिए ये पाकिस्तान है हमारा लाइट चली गई है, कभी आती है कभी जाती है, इधर ऐसे सिलसिले हो रहे हैं, तो यूरोपियन मुझे कमेंट करते हैं, इंडियन कमेंट करते हैं, पूरी दुनिया से कमेंट आते हैं। अब वो लोग मुझे यही बता रहे हैं कि यार कई लोग ये बताते हैं हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, कट्ठे खाते हैं, मुसलमान हिंदू कट्ठे रहते हैं, कभी उन्होंने ये चीज़ें फील नहीं की, इधर हर चीज़ फील करवाई जाती है कि इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो गया मुसलमानों पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों में, आज से नहीं, ये तो मस्जिद अब जलाई है ना, शहीद की है, अब किया उन्होंने जो भी किया है, उससे पहले वाले सिलसिले भूल गए आप, चाइना में क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ हुआ है मुसलमानों के साथ। तो भाई बात यह है कि सच बोला करें, झूठ से थोड़ा सा पीछे आए, क्या हो जाएगा सच बोलने के साथ, क्या होगा आपको मार दिया जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना पैदा नहीं हुआ कि हम सच बोलने को मार दें, हमें फिर भी क्या होगा, आपके साथ जुल्म होगा, मार दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आपको ये तो प्राउड होगा कि मैं गैरतमंद था यार, मैंने सच्ची बात की थी, आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे कि यार मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच के लिए बात की यार, जो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जहां पे बेहतर कोई चीज हो रही है उसको हम जो अभी भी पाकिस्तान में जो मौजूद है सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही है, आप हैरान हो जाओगे मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो हिदमत कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे हैं जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अभी देखिए ये आपकी बात काट रहा हूँ, स्टडी यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत से अदारे भी शायद कर रहे होंगे जी, तो कर रहे हैं भाईजन, वो आपको पता ही है, वो जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो आप कहाँ थे उस टाइम, अपने बारे में भी बताया करो भाई। वीडियो यहीं तक थी, अभी बात करते हैं हम, यानी कि वीडियो इतनी जबरदस्त है कि वीडियो शुरू करते हैं तो रिदम ऐसा बन जाता है भाई, आबिद अली भाई की बातें सुनते 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 ही रहे, ठीक है। तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फुल लिंक है। तो अभी बात करते हैं भाई चाइना की, चाइना के अंदर आप लोगों को पता होगा, देखो इंडिया की बात करें तो कर्नाटक में एक लड़की थी और जो हिजाब पहनकर गई थी और उसने वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और काफी प्रोटेस्ट हुआ था, तो पाकिस्तान सड़कों पर आ गया था भाई, टायर फूंक दिए थे वो सब कुछ, ये जो फिजा खलीफा है चीख चीख कर बोल रही थी मोदी ने जुल्म कर दिया है मुसलमानों पर, ठीक है। आज भी पाकिस्तानी इसी चीज को लेकर रोते रहते हैं कि वहां पर स्तुद्धत हो रही है, उर्दू शब्द है भाई, ठीक है। चीन के अंदर मेरे भाई वहां पर मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देते, बुरखा अलाउ नहीं है महिलाओं के लिए, अभी इतनी पुरानी मस्जिद तोड़ दिया है, बट 57 देश आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि जय हिंद जय भारत जय श्री राम।